हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब महमूद गजनी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय क्या भारत की दशा थी, क्या राजनीतिक दशा भारत में थी उस समय, तो हमने ये पढ़ा था। आज हम करेंगे कि मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किए थे। पहला तो संभवतः ऐसा लगता है कि उसने साम्राज्य विस्तार, जिसमें मोहम्मद गौरी एक साहसी एवं महत्वाकांक्षी शासक था और गजनी के छोटे से राज्य और सीमित साधनों से उसे संतोष नहीं हो सकता था। वह महमूद गजनवी की भांति एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा करता था। गजनी के पश्चिम और उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार की अधिक आशा नहीं थी, क्योंकि उस तरफ उसी के समान शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासकों का शासन था। अतः उसके सामने पूर्वी मार्ग ही बचा था। परिस्थितियां भी अनुकूल थी, क्योंकि उस समय भी भारत राजनीतिक, सैनिक तथा सामाजिक दोषों का शिकार बना हुआ था। अतः उसके भारतीय आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। दूसरा, हम बात करते हैं पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना। मध्य एशिया की राजनीति में गजनवी वंश और गौर वंश की आपसी शत्रुता लंबे समय से चली आ रही थी। यद्यपि गौर वंश ने उनके पैतृक गजनी राज्य को जीत लिया था, परंतु पंजाब पर अभी भी गजनवी वंश का शासन था। अपने शत्रु को जड़ से उखाड़ फेंकना उस युग के राजवंशों की चारित्रिक विशेषता थी। इसके अलावा सिंध और मुल्तान के मुस्लिम राज्यों की सहानुभूति भी गौर के प्रति ना होकर पंजाब के साथ थी। गौरी को इस बात का भय था कि कहीं भारत के तीनों मुस्लिम राज्यों ने संगठित होकर गजनी पर आक्रमण कर दिया तो उसकी स्थिति संकटप्रद हो जाएगी। ऐसी स्थिति के आने के पूर्व ही वे पंजाब के गजनवी शासन को समाप्त कर देना चाहता था। तीसरा पॉइंट, धन संपत्ति को प्राप्त करना। धन संपत्ति को प्राप्त करना मध्य एशिया की संघर्षपूर्ण राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके शत्रु राज्य खुरासान, ख्वारिज्म आदि काफ़ी शक्तिशाली थे। शक्तिशाली सेना के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। यह धन भारत से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि अभी भी भारत अपनी धन संपदा के लिए विख्यात था। चौथा पॉइंट, धर्म प्रचार की भावना। कुछ विद्वानों के मतानुसार मोहम्मद गौरी गैर मुस्लिम देशों में इस्लाम का धर्म प्रचार प्रसार, मूर्ति पूजकों को बलपूर्वक मुसलमान बनाना, मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस इत्यादि कार्य इस्लाम की सेवा के अंतर्गत अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। चूँकि भारत में गैर मुसलमानों तथा मूर्ति पूजकों की प्रधानता थी, अतः यह देश उसके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। इसके विपरीत कुछ अन्य इतिहासकारों का मत है कि धर्म के नाम पर प्राण न्यौछावर करने वाले साहसी सैनिकों को बिना किसी विशेष प्रयास के अपनी सेना में भर्ती करने की दृष्टि से गौरी ने अपने भारतीय आक्रमण को जिहाद का रंग दिया था, अन्यथा उसकी सेना में कुछ मूर्ति पूजक सैनिक भी थे। पांचवा पॉइंट, इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। गौर के छोटे से राज्य को उदित हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था, अतः इस्लामी जगत में उसका विशेष सम्मान नहीं था। गौरी अपने वंश को प्रतिष्ठा दिलवाना चाहता था। इसके लिए साहसिक कार्यों द्वारा साम्राज्य का विस्तार तथा वैभव एवं ऐश्वर्य की वृद्धि आवश्यक थी। भारतीय आक्रमणों से इन दोनों की पूर्ति हो जाने की संभावना थी। संक्षेप में, गौरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। वे तत्कालीन भारत की कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अन्य सभी उद्देश्य कौन थे? अब हम आते हैं भारत पर आक्रमण की, कि उसने कब और किस पर आक्रमण किए। तो सबसे पहले उसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया। भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर मुल्तान का राज्य सबसे दुर्बल राज्य था, जिसे आसानी से पराजित किया जा सकता था, और इससे उत्साहित होकर उसके सैनिक अन्य राज्यों पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ का शासक शिया मत का था, जबकि गौरी सुन्नी था।
उन दिनों गजनी में भारत को आने का सरल मार्ग मुल्तान होकर ही था। मुल्तान पर अधिकार कर लेने के बाद वह भारत के अन्य प्रदेशों की ओर आसानी से बढ़ सकता था। इसलिए उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और गौरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान के शासक को परास्त कर दिया। कट्टर शिया अधिकारियों और धर्माचार्यों को मुल्तान से निष्कासित कर दिया गया और मुल्तान की शासन व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर गौरी वापस गजनी चला गया। कुछ दिनों बाद वह पुनः आया और ऊपरी सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण किया। उस समय उच्च पर हिंदू शासक का अधिकार था। फरिश्ता के अनुसार यहाँ भट्टी राजपूतों का शासन था और यहाँ की रानी ने मोहम्मद के वचनों में फंसकर अपने पति को मरवा डाला। इसके बाद गौरी ने सुगमता के साथ दुर्ग एवं नगर पर अधिकार कर लिया। आधुनिक इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि इन दोनों सिंध अथवा मुल्तान के किसी भी भाग पर राजपूतों का शासन नहीं था। संभवतः मोहम्मद ने दुर्ग रक्षक मुस्लिम सरदार के साथ विश्वासघात करके उच्च पर अधिकार किया होगा। इसके बाद शेष सिंध को जीतने का प्रयास किया और 1182 ईस्वी तक संपूर्ण सिंध पर उसका अधिकार हो गया। सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह देवल भी उसके अधिकार में आ गया। रेस्ट बच्चों, जो तराइन का युद्ध है वो हम